सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हैं अक्षय दादन चैनल। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। वीडियो होने वाली बहुत ही बेहतरीन। आजकल की जो वीडियो है, जो एनिमेशन वीडियो है, किस तरह से बनती है, जो मेरे आप बगल में देख रहे हो, ये एनिमेशन वीडियो किस तरह से बनी है। आजकल काफी सारे यूट्यूबर्स है जो इस तरह की वीडियो यूज करके अपनी वीडियो को चैनल को ग्रो कर रहे हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं, किस तरह से आप इसको बना सकते हो, किस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। काफी सारे आपने इंस्टा के भी हैंडल देखे होंगे जो वीडियो को यूज करके, काफी सारी वीडियो का एनिमेशन वीडियो यूज करके अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं। तो किस तरह से बनती है, किस तरह से आप कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड ले सकते हैं, तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, मेरी स्क्रीन तरह आपको दिखाते हैं। जैसे कि फिर हम आ गए अपने गूगल पे, हम गूगल खोल लिया हमने, हम इसको लेक्सिका को ओपन करेंगे। लेक्सिका को ओपन करने के बाद लेक्सिका एक करके आएगा, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे बॉय कैरेक्टर जो हमें चाहिए हमारे वीडियो के लिए, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो। यहाँ पर आके हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमने डाउनलोड कर लिया, यहाँ से डाउनलोड, यहाँ से कट करेंगे इसको। इस पर लिखेंगे बैकग्राउंड यूट्यूब, सॉरी वाई यूट्यूब बैक ग्राउंड बेडरूम, यहाँ सर्च करेंगे। ये क्रॉप बैकग्राउंड है ना, ये हमने सर्च कर लिया। यहाँ पर आप कोई सा भी सर्च करके ले सकते हो। मैंने शायद डाउनलोड नहीं कर रखा है इसलिए थोड़ा ऐसा बता रहा है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, इसको यहाँ से कट कर देंगे, हमें यह नहीं चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे अपने पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में क्या काम है, हम आपको बताएंगे पिक्सल लैब में किस तरह से हमारे कैरेक्टर का माउथ थोड़ा सा मिटा होना। बस यहाँ से प्लस के ऑडियो पर जाएंगे, तो हम गैलरी पर जाएंगे, तो हम गैलरी पर जाकर हमारा कैरेक्टर ले लेंगे। कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। कैरेक्टर को ऐसे करके बीच में लाकर, सॉरी कैरेक्टर पर क्लिक करके हम इस पर आएंगे। यहाँ पर आके इरेज पे जाएंगे, जूम करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। और थोड़ा सा यहाँ से जितना हमें चाहिए नहीं उतना, थोड़ा सा यहाँ से हम गायब कर दिया इनका, ठीक है। अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सेव इमेज, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, इसको यहाँ कट करके मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। यहाँ से ले लिया, अब इसको डाउनलोड कर लिया। अब हम चलेंगे बैकग्राउंड रिमूवर पर। बैकग्राउंड रिमूवर पर जाएंगे हम, बैकग्राउंड रिमूवर टाइम ले रहा थोड़ा। इसके बाद हम प्लस के ऑप्शन पर जाएंगे, प्लस के ऑप्शन में जाकर हम अपने बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। अब कैरेक्टर का, ये कैरेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो होगा सब कुछ मैं आपको बताऊँगा डिटेल वाइज, वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, कट कर दिया। अब इसके बाद हम खोलेंगे अपना काइन मास्टर। काइन मास्टर कहाँ है मेरा, काइन मास्टर में आपको कुछ नहीं करना है। काइन मास्टर में दो तीन सेटिंग बताऊँगा मैं, वो आपको सेटिंग क्या दो तीन तरह कैसे बताऊँगा किस तरह से आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो काइन मास्टर खुल चुका है, फ़ोन को थोड़ा उल्टा कर लेते हैं हम। जैसे ही काइन मास्टर खुला है, हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट 60x9 का लेंगे, 16x9 का ले, 9 का लेकर इसको ऐसे क्लिक करेंगे। हम अपना बैकग्राउंड लेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड ले लिया, बैकग्राउंड को बड़ा करेंगे। बैकग्राउंड को बड़ा करने के बाद हम अपना कैरेक्टर ले लेंगे, सॉरी कैरेक्टर अभी नहीं लेंगे, बैक करेंगे इसको। कैरेक्टर को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। डिलीट करने के बाद लेयर पर जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, कैरेक्टर पर जाएंगे। कैरेक्टर ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है। अब इसको कैरेक्टर को कहीं पे भी सेट कर दो। यहाँ पर हमने सेट कर दिया कैरेक्टर को। अब कैरेक्टर को उठा के आगे ले आते हैं हम अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। ये बड़ा कर लिया, ठीक है, और हमने कैरेक्टर भी अलग रख लिया। इसके बाद जाएंगे हम लेयर पर, लेयर पर जाके हमें डाउनलोड करना है ये माउथ वाला PNG। ये मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कमेंट करना माउथ PNG, तो मैं आपको कमेंट करना माउथ PNG मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके इसके ऊपर जाकर हम क्या करेंगे,
क्रोमा की पर जाएंगे हम। इसके बाद इसको यहाँ पर लेके आएंगे, इसको ऐसा सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्रोमा की पर जाएंगे, नीचे क्रोमा की है, सॉरी कहाँ गया, क्रोमा की, क्रोमा की है ना, इसको अनेबल कर देंगे। अनेबल करके इसको इसकी जगह पर लगा देंगे, थोड़ा बड़ा करके इसको यहाँ लगा देंगे इसकी जगह पे। ये लगा दिया, ठीक है। अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप किस तरह से प्ले हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ी आवाज़ कम कर देता हूँ मैं ताकि आपको सुनाई दे पूरा। ये किस तरह से देख सकते हो आप चल रहा है, किस तरह से आप देख सकते हो चल रहा है, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हो किस तरह से चल रहा है, ठीक है। इस तरह से अभी थोड़ा और सेट कर देता हूँ मैं, अभी साइज शायद सेट नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा जूम कर देंगे हम। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो मतलब, और देख सकते हो किस तरह से ये वर्क कर रहा है। अब इसमें आप अपनी चैट जीपीटी से ऑडियो भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो अपने इसमें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। देखा फिर इस तरह की आप वीडियो बना के अपने किसी भी सोशल मीडिया ऐप को अच्छे खासा ग्रो कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।